गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज ही मैं आप सभी के लिए एक टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छा है, और ये आपके हेयर के लिए है। सो आज ना आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत है, ना ही प्याज का रस लगाने की ज़रूरत है, और ये जो है वो एक सीरम की तरह काम करेगा आपके हेयर में। और इसमें जो चीज़ मैंने इंग्रीडियंट्स लिया है वो बहुत ही अच्छा है। सो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए, पर उससे पहले मैं आपको मेरी वीडियो पूरी देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें समझाऊँगी। और गाइस, सबसे पहली बात ये कि इसके लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए हम बताते हैं। सो पहला चीज़ जो मैं ले रही हूँ, एक कटोरी में मैंने लिया है, जो वो पहला चीज़ है मेथी, 2 टेबल स्पून के करीब आप 2 मेथी ले लीजिए। और दूसरा चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है अलसी की बीज, 1 चम्मच मैंने अलसी की बीज ली है। और दोनों को मैंने एक कटोरी में लेकर के, और उसमें नॉर्मल सा पानी, आप घर में नॉर्मल पानी उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद आप उसको पूरे रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए, और ये इसको ढक कर के छोड़ दीजिए ताकि पूरी रात जो है वो फूल जाए। और अब जो ले रही हूँ मैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं इसको क्या करूँगी, उसमें डाल देना है ये, और डालने के बाद उसमें आप थोड़ी सी पानी और ले लीजिए। सो अब इसमें आप थोड़ी सी पानी अपने हिसाब से और मिला लीजिए, और ये आप इसको पानी डाल के उबलने के लिए छोड़ दीजिए। और ये अच्छी तरह से जब 5 मिनट तक इसको छोड़िएगा तो अच्छे से उबाल आ जाएगी इसमें। और उबाल आने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गर्म हो रही है, और इस तरह उबाल जब आ जाए, तो जब उबाल अच्छे से आके पानी कम हो जाए, उसके बाद आप इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा के होने के बाद आप इसको छान लीजिए। एक कटोरी में मैंने इसे छान लिया है, और छानने के बाद आप देखिए इस तरह हो जाएंगे। सो गाइज, आपने देखा कि हमें क्या क्या लिया हमने। इसको जो आप अलसी की बीज होती है वो बहुत हेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो अलसी की बीज है वो आपको कहीं पर भी कोई सी दुकान में मिल जाएंगी, और ये बहुत अच्छा है इसका हेयर के लिए। और दूसरा चीज़ जो मैंने मेथी लिया है, आप सभी को पता है इसमें सारे प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं, और ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ। ये तो बन के तैयार हो गया, पर मैंने इसे एक इस तरह के डब्बे मेरे पास थे, इसमें मैंने डाल दिए है अभी के लिए। बट आप इसको कोई अगर सीरम वाली बोतल हो तो उसमें डालो, और नहीं तो कोई सी भी बोतल में आप रख सकते हो, पर मैंने थोड़ी सी बनाई क्योंकि मैं इसे फ्रीज में रखूँगी, और इसे आप फ्रीज में रख सकते हैं 1 वीक के लिए। जब हम इसको अप्लाई करेंगे उससे कुछ दिन पहले मैं फ्रिज से निकाल लूँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए। और ये इसमें अब क्या है, अभी भी पूरा बना नहीं है, इसमें भी हमें कुछ चीज़ें हैं जो मिलाने हैं। इसमें जो मैं चीज़ मिला रही हूँ वो चलिए मैं आपको बताऊँगी इसमें मिलाना क्या है। चलिए बताते हैं। जो मुझे मिलानी है उसमें है विटामिन ई कैप्सूल, तो ये मुझे डाल किसी मेरी 100 रुपये आपको मिल जाएगी, 35 रुपीज़ में मुझे मिला था, इसी के आसपास आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। और ये हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गाइज, इसमें से मुझे 2 कैप्सूल लेने हैं, और ये जो मैंने बनाए हैं इसमें हमें डालने हैं। मेरे पास इस तरह की बोतल खाली पड़ी थी, मैंने इस बोतल में भर लिया है। बट आप ये मत सोचिएगा कि ये ऑयल है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इस तरह के ऑयल मेरी मम्मी ने यूज़ किया था, तो इसीलिए ये बॉटल्स बहुत काम की है, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको कहीं ये करना नहीं पड़ता, बस ऐसे ही अप्लाई कर लो, बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मैंने, मेरे पास ये बॉटल्स अवेलेबल थे तो मैंने बॉटल्स रखे हैं। इसमें चलिए हम बताते हैं करना क्या है। इसमें आप 2 कैप्सूल ले लीजिए, और मैंने ये कैप्सूल लिए हैं, 2 कैप्सूल आपको लेने हैं। और इसमें आपको ये जो आपने बना रखा है इसमें आप दोनों कैप्सूल डाल दो, इसके जो कैप्सूल्स के जो ऑयल्स होते हैं उसमें हमें मिलाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसमें मिलाते हैं, इसमें पिन कर लीजिए। और इसमें आप इस तरह से सारे ऑयल्स को मिला लीजिए, और ये मिलाने के बाद आप इसको क्या करिए, अच्छे से सेक कर लीजिए। और सेक करने के बाद आप इसको
इसको नाइट को अप्लाई कर लीजिए। और ये नहीं है कि इसे अप्लाई करने के बाद आपको हेयर वॉश करना ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे रात को हेयर में लगा लीजिए और हफ्ते में तो एक दो दिन, अभी ठंड है तो ज़्यादा नहीं, तो कम से कम दो दिन, एक दिन तो धोते ही हैं, तो तब आप हेयर वॉश कीजिए। और उससे पहले आपको हेयर में लगा के थोड़ी थोड़ी फिंगर से ऐसे ऐसे आपको मसाज करनी है। सो गाइज, ये जो है वो आपके हेयर को बहुत ही लॉन्ग करेगा और इसका रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, 2 महीने के अंदर मैंने ये अप्लाई किया था और इसका हेयर का आप ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत ही लंबे होते हैं हेयर। सो ये आपके हेयर ग्रोथ, जहाँ पे आपका हेयर नहीं आते हैं जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इसमें मेरे जो छोटे छोटे बेबी हेयर हैं वो सब सारे हेयर्स आ गए हैं, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको इसका रिजल्ट बता रही हूँ। सो गाइज, ये जो है बहुत अच्छा है, इसे आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके हेयर जहाँ पर भी टूट चुके हैं वो सारे हेयर फिर से आएंगे, और हेयर जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं वो सब लॉन्ग होंगे। और इसे अगर आप लॉन्ग, अगर आप इसे लॉन्ग के लिए यूज़ करते हैं तो ही बहुत अच्छा है लॉन्ग हेयर के लिए, और अगर आपके हेयर में डैंड्रफ हो गया है उसके लिए है, और आप मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके हेयर के वो सारे ठीक हो जाने वाले हैं। सो इसे आप 1 महीने मेरे कहने से यूज़ कीजिए, और अगर आपके हेयर में नहीं डिफरेंस पता चला तो फिर मुझे बताइए, क्योंकि ये गाइस बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट मेरे पास है इसलिए मैं कहती हूँ। सो आप, मैंने मेडिसिन भी दवा ली थी क्योंकि ना बहुत हेयर लॉस हो रहे थे, बहुत हेयर गिर रहे थे, पर अभी मेरे हेयर नहीं टूटते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। सो इसलिए आपको मैं कहती हूँ कि ये आप ट्राई कीजिए, अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, अगर गिर रहे हैं, अगर आपके एक दिन में आपके 100 बार गिरते हैं तो इसे लगाने से आप 2 दिन लगाइए, उसके बाद ही रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 2 दिन में ही इसके रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपके 100 बार टूटे हैं ना तो नेक्स्ट डे आपको 10 बाल टूटेंगे। अब आप सोच सकते हैं जब 2 दिन में इसका रिजल्ट ऐसा है तो आप अगर 1 महीने यूज़ करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा। सो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये घर का चीज़ है, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है, 10 रुपये आप खर्च कर लोगे उसके लिए काफ़ी है। सो आप इसे अच्छे से अपने हेयर पे आप मसाज करते हुए फिंगर से, और ऐसे फिंगर से मसाज कीजिएगा, और इसको लगे हुए नाइट को लगा लीजिए और ऐसे ही रहने दीजिए, और ज़्यादा चिपचिपा नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऑयली जैसा लगेगा, बट वैसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं सुबह सुबह हमें हेयर वॉश करना ही है, ऐसा नहीं है। और चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सो मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है डिटेल से, और ये जो है मसाज, चलिए सबसे पहले मैं आपको मसाज बताती हूँ कि इसको किस तरह से मसाज करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हेयर बैंड निकाल लूँ और फिर इतना बता दूँ गाइस कि इसका जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो इसको अगर आप फिंगर से लगा रहे हैं तो अच्छे से लगाइए। मैंने सेक कर लिया पहले, और फिर मैं कैसे लगा रही हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें ऐसा है, फिंगर से लगा रही हूँ, जैसे धीरे धीरे मसाज करनी है आपको। जहाँ पर भी लगानी है इस तरह से, इसको इस तरह से फिंगर से मसाज कीजिए, और पूरी हेयर पे आपको अच्छे से लगा लेनी है, और लगाने के बाद इसको इस तरह मसाज करती है। और गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप जैसे मसाज करते हैं वो फिंगर से ऐसे धीरे धीरे करनी है, इसको ज़ोर से नहीं करनी है, और अगर आपके हेयर फिर भी लॉस हो रहे हैं तो आप इसको, ये जो पॉइंट देखते हैं ना नाखून के नीचे वाला, इसको आप इस पर प्रेशर कीजिए, और दोनों उंगली में प्रेशर कीजिए। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके हेयर तक पूरे जो है वो अच्छे से हो जाते हैं, और आप इसको इसी तरह से टैप टैप करके थोड़ा दबाइए और अच्छे से इसको मसाज कीजिए। सो गाइज, अगर आप मसाज कर लेते हैं तो और आप पूरे नाइट इसी तरह सो जाएंगे। इसमें थोड़ी सी ऑयली होगी, ज़्यादा तो नहीं होती है, पर हाँ थोड़ी सी ऑयली ऑयली सा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सूख जाती है। सो गाइज, ये बहुत अच्छा है, और इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके फ़ायदे कितने हैं। अगर आप लॉन्ग के लिए कर रहे हो तो आपको ये 1 वीक में इसका रिजल्ट आ जाता है।
सो ये बहुत अच्छा है, सो इसको आप अच्छे से ट्राई कीजिए, जल्द जो है वो आप मेरे से शेयर कीजिए और बताइए कि आपको सूट किया कि नहीं किया, क्योंकि ये होम रेमेडी है, ये सभी को सूट करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आप अच्छे से किसी भी उम्र के हैं। और एक बात और, अगर आप बॉय हैं, गर्ल है, वुमेन है, कोई भी है इसे यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, आप सभी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा है, इसकी गारंटी है 100%। सो गाइज आज इतना ही, और चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो बाय, थैंक यू, सो बाय।